गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मूवमेंट सेकेंड लेसन एडवेंचर ऑफ टोटो. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पेट एनिमल हूज नेम इज टोटो. दिस इज द सन ऑफ मंकीज. ये मंकी का जो है, इट इज अ बेबी. मंकी बेबी है. तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी दैट ही इज अ मिस्चीवियस आर डोसाइल मीन्स पोलाइट. विनम्र है कि कितना शरारती है. आपने देखा होगा आजकल तो लोग जो है पपी के ज़्यादा शौकीन है पालने के पेट एनिमल में. और आप देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हमारे बच्चों के साथ शरारत करते हैं. तो इसमें हम उस टोटो के एडवेंचरस जो है टास्क के विषय में स्टडी करेंगे कि उसने कितनी मिसचीवियस, कितनी शरारतें की. ओके, लेट्स स्टडी द लेसन. ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ थांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. हियर द ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंड फादर परचेज्ड और बॉट द टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर 5 rupees. यानी 5 rupees, 5 रुपए में जो है दादाजी ने तांगे ड्राइवर से खरीदा था. अब तांगा ड्राइवर क्या करता था? तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तांगा ड्राइवर जो कि उस बंदर को क्या करता था, बांध करके रखता था, उसके उसको खाने पीने के लिए दे दिया करता था. और जब उसके दादाजी जो है इस बंदर को खरीदते हैं तो वो डिसाइड करते हैं, ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल्स. ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल्स. वो पालतू जानवरों के बहुत शौकीन थे. तो ही थॉट दैट वेन ही बॉट द बेबी मंकी एट दैट टाइम ही डिसाइडेड दैट ही विल ऐड इट इन ऑल्सो हिज इन हिज जू. वह उसे अपने जो है उनका एक छोटा सा क्या था, चिड़ियाघर था, प्राइवेट जू था, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको जो है अपने उस जू में इंक्लूड कर लेंगे. तो टोटो वाज अ प्रेटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेड आईब्रो. आप देखते हैं जो बंदर होते हैं उनकी ये जो आईब्रो होती है जो होती है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली रहती है और उसके बीच में से उसकी आंखें जो है चमक रही थी. एंड हिज टीथ विच वेयर अ पर्ली वाइट. और उसके दांत कैसे दिख रहे थे? पर्ली वाइट. वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडीज. जब वो घर पे लाए तो वो बोल रहे हैं कि आप देखते होंगे जो बंदर जब खींचते हैं अपने दांत दिखाते हैं तो उनके ये जो साइड के दांत होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके दांतों को देख करके लोग डर जाते हैं. तो बोल रहे हैं कि जब वो घर पे लाए तो घर पे जितनी भी औरतें हैं या कोई भी औरतें उनके दांतों को देख करके डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन
पिकल्ड इन द सम ऑफ मेनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे एकदम सूखे हो गए थे। दो ही वाज द बेबी मंकी, यद्यपि वो क्या था, एक छोटा सा बंदर का बच्चा था, फिर भी ही हैडेंट फीड प्रॉपरली, उसको सही से भोजन नहीं दिया जाता था, खिलाया नहीं जाता था, इसलिए उसके जो है हाथ होते एकदम जो थे वो कंप्लीटली कैसे हो गए थे, सूख गए थे। इट मीन्स यू कैन से देयर वेयर द रिंकल्स वेयर अपीयरिंग, झुर्रियां दिखाई दे रही थी, सूख गए थे। अब ग्रैंडफादर बिलीव्ड टेल वुड एड यूज टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और बंदरों की एक आपने आदत देखी होगी, जब ये आप इनको देखते होंगे कि वेन दे आर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच आर द वन ट्री टू अनदर ट्री, एट दैट टाइम दे यूज टू ऑल्सो अप्लाई देयर टेल्स। ये अपने पूंछों का उपयोग भी किया करते हैं, इट्स अ हैबिट, लटकने के लिए अपने पूंछों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कोई इन्हें पकड़ना चाहता था, अपने पूंछों से लटक करके एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच को हाथों से पकड़ लेते थे, और यह इनकी खूबसूरती को जो है और बढ़ा देता था। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, आप ये कह सकते हो कि द टेल ऑफ द मंकी दे यूज इट एज अ थर्ड हैंड। ये क्या करते हैं, अपने इस पूछो को तीसरे हाथ के रूप में प्रयोग करते हैं। ही कुड Use it to hang from a branch and it was capable of scooping any delicacy that might be out of reach of his hands. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new birds or animals. और यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जब कभी भी दादाजी क्या करते थे, कोई नए जानवर या पक्षियाँ लाते थे, तो दादी जी हमेशा गुस्साया करती थी। She became angry. वह नाराज हो जाया करती थी। और सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। देन हियर द ऑथर सेज दैट व्हेन हिज ग्रैंडफादर बॉट द टोटो एट दैट टाइम ही डिसाइडेड दैट ही वुड कीप इट इन अ सीक्रेट प्लेस। वो इसे गुप्त स्थान पर रखेंगे, और कब तक रखेंगे, अंटिल माई ग्रैंड मदर विल बी इन हैप्पी मूड और प्लीजर मूड, जब तक कि मेरी दादी माँ जो है वो एकदम खुशी मूड में न दिखे, तब तक इसको दादी को ये नहीं बताया जाएगा कि दादाजी ने क्या किया, एक नया जानवर ले आया है। अब वो क्या करते थे, Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब देखो क्लोसेट क्या होता है, आप देखो आलमारी, आलमीरा होती है, आलमारियाँ जो बनती हैं, तो आलमारी तो आप देखते हो ऐसे रखते हैं, लेकिन जो क्लोसेट होते हैं वो दीवार में ही बने रहते हैं। तो वो क्या किया, दादाजी ने और यहाँ आथर ने, दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया, टोटो को जो उसका आथर का बेडरूम था उसके एक क्लोसेट में ले जाकर के उसको क्या किया, पैक कर दिया। और वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली आर सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इन टू द वॉल। वहां पर उन लोगों ने क्या किया, दीवार से कील साली उसको एकदम बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर When grandfather and I came back to release Toto, कह रहे हैं जब हम लोग उसे यहाँ तो क्लोसेट में बंद करके चले गए, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद हम और दादाजी when we
केम बैक, जब हम वापस आते हैं, एट दैट टाइम वी नोटिस दैट, उस समय हमने देखा, क्या देखा, व्हाट वी नोटिस, हमने नोटिस किया, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर्स. When they noticed that Toto scratched the walls, Toto ने क्या किया था, पूरी दीवार को स्क्रैच कर दिया था. और ये जो दीवार थी, इस पर आपने देखा आजकल लोग फैशनेबल क्या करते हैं, डिजाइन ऐसे पाड़ते हैं या कुछ ऐसे पेपर की डिजाइनिंग करते हैं. तो उसके क्लोसेट में क्या हुआ था, दीवार जो थी वो एकदम कंप्लीटली कागज, उसके दादा जी के द्वारा एक बहुत अच्छे कागज से जो है इसको डेकोरेट किया गया था. तो उसने क्या किया, टोटो ने कम्प्लीटली इसको स्क्रैच कर दिया, यहाँ तक स्क्रैच किया कि जो उसकी प्लास्टर की दीवार थी वो भी कम्प्लीटली क्या हो गई, टूट गई. अब नाउ स्टूड आउट ऑफ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स. और यहाँ पर आथर कह रहा है कि जो मेरा ब्लेजर था जो मैं पहन करके स्कूल से आया जाया करता था, टोटो ने उसको क्या किया, एकदम फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर डाले. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर. अब हम लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, जब दादी माँ देखेंगी, दादी माँ क्या कहेंगी, आई वंडर व्हाट द ग्रैंड मदर वुड से. ब्रैड ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस. लेकिन आई वॉज कंप्लीटली वरी अबाउट द ग्रैंड मदर, मैं तो दादी माँ को लेकर के एकदम डिस्टर्ब था. बट वेन आई सा द ग्रैंड फादर ही वॉज वेरी हैप्पी. जब हमने दादाजी को देखा तो वो क्या थे, एकदम खुश दिखाई दे रहे थे कि टोटो ने ये सब जो कुछ किया था, वॉट एवर द टोटो हैज डन, He is a clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि टोटो ने उसके ब्लेजर को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके रस्सियां बना लिया था. और अगर कुछ समय और ना आते तो वो क्या करता, उस रस्सी के सहारे निकल करके खिड़की से क्या होता, कूद जाता. मतलब उसके प्रेजेंस ऑफ सेंस को देख करके बहुत ज्यादा वो लोग क्या थे, सरप्राइज थे. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सेक्रेट. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर. नाउ The time came when the Toto was shifted in the servant's room, which was the zoo of the grandfather. अब ऐसा समय आ गया जहां पर टोटो को क्या किया जाता है, सर्वेंट के कमरे में रखा जाता है. और वो सर्वेंट का जो कमरा था वो क्या था, उसके दादाजी का प्राइवेट जू था, जहां पर बहुत सारे many birds and animals were kept. जहां पर बहुत सारे जानवर रखे गए थे. एंड देर लिव देर खामली टूगेदर, और वे वहां पर एकदम शांतिपूर्वक साथ रहते थे. अब वहां पर किसको ला दिया गया, टोटो को. और वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर क्या क्या था, अ टर्टाइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. वहां पर क्या था, कछुआ था, एक जोड़ी रैबिट्स थे, और एक पालतू गिलहरी थी, और जो है मेरी एक बकरी थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. और रात को जो है वो क्या करता था, किसी भी जानवरों को सोने नहीं देता था टोटो.
तो हिज ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड टेक टोटो विथ हिम। तो उसके दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वह टोटो को क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, बिकॉज ही हैड टू गो टू देहरादून टू रिसीविंग हिज पेंशन, क्योंकि उनके दादाजी को क्या करना था, देहरादून जाकर के अपनी पेंशन को लेना था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, टोटो को साथ में ले जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि मैं अपने दादाजी के साथ नहीं जा पाया उस यात्रा के। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताया। क्या बताया, अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। हम लोगों ने क्या किया, एक कपड़े का, आप देखते होंगे जैसे कांदा, ये चीनी वाले क्या होते हैं, सैक्स होते हैं, बोरे होते हैं, उस तरीके से क्या था, काले रंग का क्या था, कैनवास मतलब कपड़े का किट बैग था, जिसमें टोटो को क्या किया गया, भर दिया गया, दिस विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके नीचे क्या कर दिया गया, कुछ ऐसे घास फूस रख दिए गए, और बिकेम हिज न्यू अबॉट। वेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो स्केप, और कह रहे हैं ऊपर से जब अगर बैग को क्लोज कर दिया जो जाए तो उसको बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, बचने की मतलब वो निकल करके वहां से भाग नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो क्या कर सकता था, टोटो वॉज अनेबल टू ओपन दिस बैग, टोटो जो है इस बैग को खोल नहीं सकता था। अब एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो जो था बैग था इतना स्ट्रांग था, ही कैन नॉट बाइट इट, वह इसे काट नहीं सकता था। और लोगों को क्या होता है कि जैसे एनिमल्स होते हैं इसको चबा डालते हैं, खा डालते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या था, इतना स्ट्रांग था कि इसको जो है वो अपने दांतों से भी काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर आर ऑकेजनली जंप इन टू द एयर। सिर्फ वो दो ही चीज कर सकता था, क्या कर सकता था, या तो वो क्या करता, एकदम लेट करके फर्श पर लुढ़कता, या दूसरी चीज क्या कर सकता था, उसमें कुछ ऊपर तक हवा में कूद सकता था। इसके सिवा उसके पास दूसरे कुछ करने के लिए नहीं था। अब होता क्या है कि वहां पर बैग वैग को बंद करके एकदम रख दिया गया। अब एकदम हीज एफर्ट्स टू गेट, वेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, और जब आपको बताया गया कि जब उसको बंद कर दिया जाए तो वहां पर कोई जगह नहीं रह जाती थी, सिर्फ वो क्या कर सकता था, या तो फर्श पर लुढ़क सकता था या तो हवा में कूद सकता था। एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और वहां पर क्या था, देखने के लिए बहुत सारी भीड़ लग गई थी। अगर उसको ओपन कर दिया जाता तो वहां पर देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। अब टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब टोटो क्या किया, सहारनपुर तक बैग में उसको एकदम शांतपूर्वक बना रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्मिनल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। लेकिन जैसे ही उसके दादाजी क्या करते हैं, वेन ही सोल्ड ही टिकट टू द टिकट कलेक्टर, वो क्या करते हैं, जैसे ही टीटी को अपना टिकट दिखाते हैं तो एटवंस क्या करता है, वो जो टोटो रहता है वो अपना बैग से मुंह निकाल देता है, और मुंह निकाल करके क्या करता है, टिकट कलेक्टर की तरफ, उस टीटी की तरफ क्या करता है, बहुत तेजी के साथ जो है अपने दांत को दिखाता है, गुर्राता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रिसेंस ऑफ
माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनांस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। लेकिन वह जो है जो वहां पर टीटी था उसने क्या किया, उसने वह तुरंत एकदम देख करके आश्चर्यचकित हो जाता, ही बिकेम वेरी सरप्राइज एंड देन ही कीप पेशेंस, वो धैर्य रखता है और बोलता क्या है कि यू हैव टू गिव द एक्स्ट्रा मनी। देन हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड व्हाई, ही सेड दैट यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके साथ एक कुत्ता है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग आर इवन एज अ क्वाड्रप्ट, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। यहां पर क्या किया गया, जब उसके दादाजी ये प्रूव करना चाहते थे कि ये किसी आप मंकी को क्या कर सकते हो, डॉग नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर उस टीटी ने क्या किया, उसको एक कुत्ता कह करके आइडेंटिफाई किया और उसके क्या करता है, ही आल्सो टेकन द फेयर, वह किराया भी ले लेता है कुत्ता कह करके उसको। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टाइज एंड सेट व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तब उसके दादा जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। देन ही सेड टू द टिकट कलेक्टर, तब उन्होंने टिकट कलेक्टर से कहा कि आई हैव लॉट ऑफ एनिमल्स एंड सेड मी हाउ मच मनी आई विल प्रोवाइड टू यू इन फॉर्म ऑफ द फेयर, मैं किराए के रूप में आपको कितना पैसा दूं मुझे बोलिए। तब उन्होंने क्या किया, पॉकेट से कछुए को भी निकाल लिया और सब जानवरों को निकाल लिया। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. अब फिर क्या करता है, वो टीटी उसको देखता है, उसको छूता है और फिर बोलता है, नहीं नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है, इसलिए इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। So dear student, it is the half part of this story. Now we will study the next part of this story in next video. Thank you, that's all.